कार्तिक मास में गंगा स्नान करना पुण्य फलदायी होता है। इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। इसके पीछे कई पौराणिक कहानियां हैं। एक कहानी के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने पहला अवतार लिया था। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। दूसरी कहानी के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुर राक्षस का वध किया था। असल में त्रिपुर ने 1,00,000 वर्ष तक तीर्थराज प्रयाग में भारी तपस्या की। अप्सराओं के जाल में भी त्रिपुर नहीं फंसा। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा तो उसने मनुष्य और देवताओं के हाथों न मर जाने का वरदान प्राप्त किया। शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी की सहायता से त्रिपुर का वध किया।